बुदनी की सीट खाली होगी, क्या शिवराज जी के परिवार से कोई व्यक्ति आएगा? भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। अभी तो हुआ कैसरगंज में प्रतीक भूषण गोंडा के सदर के विधायक हैं, प्रतीक भूषण को के भाई करण को टिकट दिया सांसद, बीजेपी का ये सोच नहीं है। जब शिवराज जी दिल्ली जा रहे हो, क्या भूमिका होगी? मंत्रिपरिषद में होंगे या मैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? एक भूमिका मेरी पक्की है। आपको लगता है कि लोग अभी बहुत मिस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? कोई मिस नहीं कर रहा, मैं तो लोगों के बीच में ही हूँ। पूर्व विधायकों को या हार विधायकी हारे नेताओं को टिकट मिला? गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। मांग रहे थे वो भोपाल से या ग्वालियर से टिकट? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोस। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा है जो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री और भाजपा के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री, और विदिशा के पूर्व सांसद और फिर से विदिशा से बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। समय कम है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमको कहा गया कि शिवराज जी तो बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। छिंदवाड़ा से भी नाम चल रहा था, सत्य है? मुझे तो किसी ने नहीं कहा, पर ये चर्चा आप तक। छिंदवाड़ा वालों ने जरूर कहा था, तो मैंने कहा पार्टी जो फैसला करे। छिंदवाड़ा वालों ने कहा था? छिंदवाड़ा वालों ने जरूर कहा था मुझे, हाँ। कार्यकर्ताओं ने, लेकिन हमारे यहाँ फैसला पार्टी करती है, तो पार्टी ने जहाँ से फैसला किया वहां से लड़ रहा हूँ। एक बात ये भी चली कि विदिशा में मार्जिन की लड़ाई है, और फिर कहा गया कि इसी मार्जिन की लड़ाई के चक्कर में खजुराहो से मीरा यादव का पर्चा कैंसिल हुआ इंडिया अलायंस की, ताकि वीडी शर्मा को बढ़त रहे। इंदौर से जो कांग्रेसी कैंडिडेट थे उनको भाजपा में ले आए कैलाश विजयवर्गीय। सब अपना अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने में लगे हैं। लग रहा है कि अभी भी लकीर शिवराज खींच रहे हैं और फिर उसको आगे पीछे। कोई लकीर नहीं है, ना कोई मार्जिन का झगड़ा है। देखिए, लोकतंत्र एक महाउत्सव होते हैं, लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव। मैं पार्टी जहाँ जहाँ मुझे भेज रही, कल ही मैं दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में था, कल मैं भिंड में था, गुना में था, इसके पहले कल मैं राजगढ़ जाऊँगा, सागर जाऊँगा, और आज मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। लेकिन हम अहंकार से भरे लोग नहीं हैं, हम जनता के बीच विनम्रता के साथ जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो जितना समय मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मिलता है, उतना मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं और जनता से आशीर्वाद मांगता हूं। और जनता से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हीं की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। आप तो जा रहे हैं कई लोकसभाओं में, मध्य प्रदेश के एक और बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो गुना में ही फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो राजगढ़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपको ये छूट और गुंजाइश कैसे मिल जा रही? बहुत आश्वस्त हैं आप विदिशा को लेकर? आश्वस्त सभी है, सिंधिया जी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, वो बहुत पॉपुलर लीडर है, पर गुना से बाहर नहीं जा रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, या पार्टी को जरूरत पड़ती जाते हैं और अपना क्षेत्र भी देखते हैं। कई पूर्व विधायकों को या हार विधायकी हारे नेताओं को टिकट मिला? गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। मांग रहे थे वो भोपाल से या ग्वालियर से टिकट? चर्चा हुई थी? मेरी जानकारी में नहीं है, फैसले पार्टी करती है। नरोत्तम जी पार्टी के अति सम्मानित और बड़े नेता हैं, उनकी तरफ एक बड़ा काम है जो उन्हें बहुत जिसको बहुत तरीके से बहुत ढंग से किया है, वो है पार्टी को नए लोग ज्वाइन करें, न्यू ज्वाइनिंग का काम है, और वो उस काम में लगे हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था भोपाल का ही, गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और जैसे ही मंच पर आपका नाम लिया गया एकदम से डेसिबल हाई हो गया। आपको लगता है कि लोग अभी भी बहुत मिस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? कोई मिस नहीं कर रहा, मैं तो लोगों के बीच में ही हूँ। ये सब मेरे हिसाब से व्यर्थ की बातें हैं जी। हम सब एक महाअभियान के अंग है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यकर्ता हैं हम लोग, और अपना देश आगे बढ़े तो देश के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी जहाँ चाहे वहाँ काम करते हैं। क्योंकि जब आप एक अभियान के हिस्सा होते हो तो वो आंदोलन या अभियान ही तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे।
जब विधानसभा चुनाव में हम लोग आए थे और उस समय आपसे मुखातिब भी थे, तब नारा दिया गया था भाजपा की तरफ से एमपी के मन में मोदी। अब एमपी ये भी पूछ रहा है कि जब शिवराज जी दिल्ली जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने मंच से बड़ी तारीफ भी की आपकी, क्या भूमिका होगी? मंत्रिपरिषद में होंगे या मैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? एक भूमिका मेरी पक्की है, वो है सांसद की। मैं सांसद के रूप में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक आदर्श सांसद बनूं और सांसद के रूप में अपने क्षेत्र की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी कुछ योगदान दे पाऊं। और दूसरा मेरा सपना है कि अपने क्षेत्र को, संसदीय क्षेत्र को आइडियल बनाऊं, आदर्श बनाऊं। अरे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, रामाशीष जी के बाद आप बने थे मेरे ख्याल से, भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष बनने का भी तो सपना हो सकता है? सपने में कभी नहीं देखता जी, संघ परिवार देखे, धरातल नहीं, कोई भी नहीं देखता। जो उनकी भी सम्मति रहती होगी ना। देखो हमारे यहाँ मैं क्या सोचूं, तू क्या सोच, ये विषय ही नहीं है। जब मैंने कहा कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी, तो देश के लिए काम करना है, तो पार्टी जहाँ उपयुक्त समझती है वहाँ काम देती है। और अभी मेरे पास है सांसद का उम्मीदवार हूँ, तो मुझे विदिशा से सांसद बनना है। मैं अब प्रत्याशी शिवराज जी के बजाय एक राजनीतिक कार्यकर्ता शिवराज जी से ये सवाल का जवाब चाहता हूँ। जब हम लोग देखते हैं तो विदिशा मॉडल क्या है, क्यों बीजेपी यहाँ इतनी मजबूत है? और जगहों पर भी है लेकिन यहाँ पे आप कभी नहीं हारे, जीत का हमेशा बहुत बड़ा मार्जिन रहा 1989 ऑनवर्ड्स। अटल जी यहाँ से लड़े, सुषमा स्वराज जी यहाँ से लड़ी, आप यहाँ से लड़े, ऐसा क्या है विदिशा में? विदिशा की जनता राष्ट्रवादी है, देश आगे बढ़े इसकी ललक जनता के मन में है, और प्रारंभ से ही वहाँ राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी है। लोग प्यार करते हैं, जनसंघ के साथ भी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लोग हैं। केवल 80 और 84 दो चुनाव विदिशा से कांग्रेस जीत पाई, भानु प्रताप जी जीते, हाँ, जो अभी आपके प्रतिद्वंदी। हाँ, प्रतिद्वंदी मैं नहीं मानता, मेरे भाई हैं वो, उनको भी ज्वाइन करवा रहे हैं क्या? नहीं, जैसे इंदौर को कराने की बात नहीं कहता मैं, तो ये कहता हूँ कि काय की प्रतिद्वंदी है, राजनीति में प्रतिद्वंदी थोड़ी विचारों की लड़ाई होती है। वो मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अच्छा, एक और आपके मित्र हैं, छोटे भाई हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जैसे वो इंदौर के कैंडिडेट कैलाश जी के पीछे फोटो आ गई, शामिल हो गए, जीतू पटवारी भी भाजपा में आ सकते हैं क्या? अब ये तो काल्पनिक सवाल है, इसका कोई चर्चा है भोपाल में, इसलिए मैंने पूछा। मेरे पास कोई चर्चा नहीं, ना मेरी कोई जानकारी। अच्छा, आपने कई, आपके समर्थकों ने कहा कि जब हम कांग्रेस का घोषणा पत्र देखते हैं तो उसमें शिवराज जी की स्कीम्स की छाप दिखती है, आपको भी ऐसा लगता है? कांग्रेस को कोई मतलब नहीं ना जनता से। अप्रेंटिसशिप स्कीम की बात, केवल सीखो कमाओ, केवल उन्होंने देखा ये पॉपुलर स्कीम है, इसको उठा लो, शायद राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो वो अगर बात करते हैं तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए बात करते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है। चर्चा ये भी हो रही है कि जब आप बुधनी से, अगर आप विदिशा से चुनाव जीतते हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे, बुधनी की सीट खाली होगी, क्या शिवराज जी के परिवार से कोई व्यक्ति आएगा? भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं चलता। अभी तो हुआ कैसरगंज में, प्रतीक भूषण गोंडा के सदर के विधायक हैं, प्रतीक भूषण को के भाई करण को टिकट दिया सांसद का, बीजेपी का ये सोच नहीं है। ये भी आपके यहाँ अनिता चौहान को टिकट दिया, ये बीजेपी का सोच नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ, और ना हम लोगों के विचार का विषय है। कई लोग खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको तय करेगी वो लड़ेगा। बहुत आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी को, लोकसभा की यात्रा चलती रहेगी, आप देखते रहिए ललन टॉप।